हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेएस दा। वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बीए एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जेएस दा का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर फटाफट बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। राइट, केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है बताना है आपको। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, ठीक है। तीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है कितने देशों के साथ लगी हुई है, ठीक है, तो बताना है आपको। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है बताना है आपको। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। ऑप्शन नंबर ए जो है कोटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है बताना है आपको। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सबरीमाला जो है किस राज्य में स्थित है बताना है आपको। बताइए किस राज्य में सबरीमाला स्थित है बताइए। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। राइट, केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबरीमाला कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, ठीक है। तटरेखा जो है बताना है आपको, किस जो है राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है बताइए। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। राइट, गुजरात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है बताना है आपको। धनी स्थान जो है कौन सा है ये बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। राइट, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीनों ओर जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है बताना है आपको। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये पता होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य निम्न में से कौन सा है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है बताना है आपको। बताइए, ऑप्शन दिया गया है और फटाफट आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। राइट, कर्नाटक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंह जिराफ
बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। किस वन में पाए जाते हैं आपको बताना है, ठीक है? किस वन में पाए जाते हैं बताइए। सिंह, जिराफ, बाइसन, है ना, जैसे जानवर जो है किस वन में जो है मुख्यतः पाए जाते हैं बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट कर बताइएगा जरूर, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है, और काफी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं सभी VBI क्वेश्चन, ठीक है? चलिए फटाफट जवाब हमें कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है? या PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर जो है आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है? आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं और जो भी PDF हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है? तो वहां से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वन अनुसंधान जो है संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं बताइए। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कटबंधीय वन, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिस्थितिक, है ना, परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए बताना है आपको, रेशियो कितना अनुपात में होना चाहिए, ठीक है? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए बताइए फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके बताइए, ठीक है? चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा 33.3%, राइट, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है बताना है आपको, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश का शिवपुरी जो है राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है बताइए। इसका सही जवाब भी आप जो है कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है? उम्मीद है कि इस सब को क्वेश्चन का जो है ना आंसर आपको पता होगा, ठीक है? इसलिए मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एकमात्र अभयारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कौन सा ऐसा अभयारण्य है जहाँ पे कश्मीरी महामृग जो है पाए जाते हैं बताना है आपको, बताइए फटाफट आंसर जो है कमेंट करके बताते रहिए। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाचीग्राम, राइट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दाचीग्राम, याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण अभयारण्य उसके लिए जो कश्मीरी महामृग जो है वहां पे पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुगती वन्य पशु विहार किस राज्य में है बताना है, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं काफी टाइम से देखा हूँ, पूछे गए एग्जाम में, तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। सभी कमेंट करके बताते रहिए तो हमें पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है? और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस रिलेटेड या कोई भी PDF चाहिए या वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश, राइट। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है?
मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।